नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। चिलचिलाती धूप और तेज गर्मी से अब आम जनता को राहत मिल गई है, क्योंकि आज दिल्ली एनसीआर में मानसून ने दस्तक दे दी है। दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली और हरियाणा के गुरुग्राम में मानसून की एंट्री हो चुकी है। आज सुबह दिल्ली एनसीआर में बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। इस बारिश और ठंडी हवाओं से लोगों को झुलसा देने वाली गर्मी से राहत मिली है। दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, यूपी के कासगंज और आसपास के क्षेत्रों में आज हल्की सी मध्यम बारिश हो रही है। यहां बीते कई दिनों से गर्मी के तापमान ने लोगों का हाल बेहाल कर रखा था। दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में सुबह से ही बादल छाए हुए थे। इससे पहले यानी सोमवार को दक्षिणी पश्चिमी मानसून राजस्थान के जैसलमेर और गंगानगर तक पहुंचा और दिल्ली हरियाणा के इलाकों में भी मौसम सुहाना हुआ। देर रात गुरुग्राम में बारिश हुई और फिर ठंडी हवाओं ने दिल्ली का तापमान भी कम कर दिया। गुरुग्राम में हुई बारिश के कारण कई इलाकों में जल जमाव हो गया है। लोगों को यातायात के दौरान परेशानी का सामना करना पड़ा। आज महाराष्ट्र समेत देश भर के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने बारिश की तीव्रता के मद्देनजर अलग अलग हिस्सों में रेड, येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजस्थान और जम्मू कश्मीर के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ऑरेंज अलर्ट गुजरात, कर्नाटक के कुछ हिस्से और असम के लिए भी है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लिए येलो अलर्ट है। वहीं मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, केरल और पश्चिम बंगाल में भी येलो अलर्ट जारी है। कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।